नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज जेएनके इंटर कॉलेज सिविल लाइंस में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दिनेश शुक्ला ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि कंप्यूटर के द्वारा गरीब छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद मिलेगी। रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल के अध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को 6 माह की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। गरीब कन्याओं के लिए सिलाई बुनाई क्राफ्ट की ट्रेनिंग की भी सुविधा दी जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर के जेएनके इंटर कॉलेज सिविल लाइन से। अच्छा, देते हुए जो आज कार्यक्रम यहाँ पे हुआ उसके बारे में बताएं। मैं विकास गुप्ता, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ कानपुर इंडस्ट्रियल। जीएनके कॉलेज में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करने के लिए हमारे मंडला अध्यक्ष रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3110 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिनेश शुक्ला जी को से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इसके बारे में जरा सा बताएं। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रारंभ किया है रोटरी क्लब कानपुर इंडस्ट्रियल द्वारा किया गया है। ये विशिष्ट ट्रेनिंग सेंटर का इसमें हमारा पर्पस क्या है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर ज्ञान नहीं, उनके अंदर विज्ञान का भी समावेश किया जाए। जो आज की जो उपयोगिता ज्ञान की तब तक है जब तक वो टेक्नोलॉजी के साथ लिंक नहीं है, तब तक व्यवहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता नहीं है। तो आज के जो बच्चे हैं वो आज के साइंस के युग में उसके साथ जुड़ें, उनका एक्सपर्ट बने, तभी जीवन में प्रैक्टिकल जो है वो रियल लीडर बन के आगे आएंगे। ये हमारा मकसद है। कितने कंप्यूटर यहाँ पे लगे हैं आज? यहाँ पे 10 कंप्यूटर लगे हैं और 10 सब करीब 2-3 महीने का कोर्सेज कराएंगे और उसके बाद में उनको सर्टिफिकेट देंगे और बाद में उनको नौकरी की जो संभावनाएं हैं उनको भी करेंगे। बाद में हमारी जो ये रोटेरियंस की एंड हैं वो आगे भी और व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सारा कार्यक्रम करेंगी, बच्चों को सिखाएंगी ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।